पुरानी जिम्मेदारी खराब था खेत से निकल कर के। आज बहुत अच्छी जनसंख्या को रामायण में भी तुलसीदास लिखे हैं कि चारों भाइयों को दशरथ को तो 4 साल हुए, अरे जो मेरा हैंडबैग है उसमें आज विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाते हैं। एक ऐसा दिवस है कि आज पूरे भारतवंशियों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है बढ़ती हुई आबादी, और ये बढ़ती हुई आबादी जब हम तुलना करते हैं तो दुनिया के 2 बड़े देश चाइना और भारत 79 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया जिसके कारण एक अनुमान है कि 60 करोड़ के लगभग में आबादी को रोकने का काम किया, जिसके कारण विकास की ऊंचाई पर प्लानिंग करके जाने का अवसर मिला। भारत के अंदर बढ़ती हुई आबादी अगर हम केवल चाइना से करते हैं तो 1 मिनट में भारत में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं वर्ल्डोमीटर के अनुसार, और चाइना में 1 मिनट में 9, 9.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे, तो 3 गुना का डिफरेंसेज है। हम प्रतिदिन जो बच्चा पैदा कर रहे हैं 1 साल में देखें तो दुनिया के 60 से 70 मैंने आप ऐसे देखेंगे ब्राजील की आबादी, दुनिया के कई देशों की आबादी देखेंगे जो हम प्रति वर्ष 2 करोड़ से अधिक आबादी पैदा करते हैं। अगर आप देखें तो इजराइल की आबादी कितना है, 1 करोड़ के नीचा, हम 2 करोड़ प्रति वर्ष पैदा करते हैं। तो ये हमारे लिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। आज समय आ गया है कि हम सब मिल बैठ कर इसे राजनीति की नजर से नहीं, इसे वोट की नजर से नहीं, हिंदुस्तान की नजर से, विकास की नजर से, सामाजिक समरसता की नजर से देखें। देखिए जोगी जी का सवाल आप पूछे या आसाम के मुख्यमंत्री का सवाल पूछे, दुनिया भारत के अंदर में कई राज्यों ने, राजस्थान भी पहले ला चुका है कि जनसंख्या चुनाव से जोड़ दिया है, कई राज्यों ने जोड़ा है। आज योगी जी अगर करेंगे तो कौन सा गलत करेंगे, आज पूरे देश को इस पर सोचने की जरूरत है और पूरे हर राज्य को सोचने की जरूरत है।